राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा चुनावी अवतार में आ चुकी हैं, वहीं साथ ही भाजपा भी इसी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। भाजपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद राजस्थान चुनावों के लिए रणनीति बना रहे हैं और यहां की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा अपने मजबूत वोट बैंक के जरिए दमदार वापसी कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीएसपी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन वो बाद में पाला बदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए। आकाश आनंद की इस बार रणनीति ये है कि भाजपा का कोई भी विधायक कांग्रेस में शामिल न हो पाए, इसके लिए उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के वफादार लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए प्रचार के लिए बड़ी रणनीति तैयार की गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जून के अंत में आकाश आनंद राजस्थान का दौरा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद की टीम का फोकस जिताऊ उम्मीदवारों पर है। इसके अलावा राजस्थान में चुनावी मुद्दे क्या हैं, भाजपा की राज्य में क्या स्थिति है, किन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जिताऊ हैं, जैसे बिंदुओं को लेकर भी आकाश की टीम ने हाल ही में सर्वे किया है। बता दें कि आकाश आनंद ने पिछले साल 26 सितंबर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। राजस्थान में दलित वोट बैंक परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में बीएसपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। सियासी जानकारों का कहना है कि सही प्लानिंग से चुनाव लड़ा जाए तो बीएसपी राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। दुखवार्ता न्यूज़ जयपुर।